अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। कौन है ये? कौन है? मच्छर सोच के आगे जुर्म के पीछे। बचाओ, बचाओ। देख मेरे आदमी को रुकना मुश्किल है वरना मेरे हाथ से तेरी जान चली जाएगी। बता कहाँ है वो? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बता नहीं तो तेरी बीवी का भेजा उड़ा दूंगा। इसे कुछ मत कह, इसका कोई कसूर नहीं, वो बेकसूर है। उसे कुछ भाई, कुछ करो मत भाई। भाई मेरी बात सुनो, कुछ करो मत। अगर आप इसे मार देंगे तो इसके साथ रात भी चल जाएगा। अगर इसको नहीं मारूंगा तो यह इसे मुंह नहीं खोलेगा। ठंडे दिमाग सोचो भाई, ठंडे दिमाग सोचो, कुछ करो मत। सोचिए, चले जाओ, पर कहने के लोग मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम इसे बता क्यों नहीं देते कि वो चीज है कहाँ? अरे मैं क्या बताऊँ इनको कि वो चीज है कहाँ? मुझे खुद नहीं पता। अगर हमें नहीं बताया देते तो ये लोग हमें मार देंगे। कुछ करो, कुछ करो। आवाजें कहां से आ रही? सुनिए सब लोग, जल्दी बाहर आइए प्लीज। श्वेता, मिस्टर कुमार, अनिल, रवि, जल्दी बाहर आइए प्लीज। क्या हुआ? और ये आवाजें वहां से क्यों आ रही है चिल्लाने? वो वहां सामने बंगले में कोई मुसीबत में है, चलो जल्दी। चलिए चलिए। चिल्लाने की आवाज़ें तो बहुत आ रही है। दरवाजा खोलिए, खोलिए, दरवाजा खोलिए। बचाओ, हेल्प, हेल्प, जाओ, जाओ, बचाओ, हेल्प। लगता है दरवाजा अंदर से बंद है, इसे धक्का मार के खोल देते हैं। हेल्प। ओह नो, किसने की तुम्हारी ये हालत? वो तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आप लोग आ गए और हमारी जान बच गई। घबराइए मत, अब आप लोग को कुछ नहीं होगा। दिनेश, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी पाती? मैं ठीक हूँ। बाहर कोई नहीं लगता, भाग गए हो। पर वो लोग थे कौन और इस तरह से आप दोनों पर हमला क्यों किया? हमें नहीं पता, हम तो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते। घबराइए मत, मैं अभी फर्स्ट एड किट लेकर आती हूँ। मैं तुम्हें बेड पर लेटा देता हूँ, आओ। ऊपर ऊपर है, आ जा।
अरे विवेक तू कब आया? सर मैं अभी अभी आया सर, आप काम में इतने डूबे हुए थे इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। शाबाश, अपने से सीनियर ऑफिसर को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। वैसे आप क्या कर रहे थे? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं तो मैं देखूं? अरे नहीं नहीं, कोई भेस पानी में। सुनो, मैं एक सीक्रेट रिपोर्ट लिख रहा था, एकदम खुफिया। खुफिया रिपोर्ट? मैं देखूं? नहीं नहीं। विवेक तू अभी बच्चा है बच्चा। एसीपी साहब ने सिर्फ मुझे ही कहा है लिखने के लिए। मतलब सर अभिजीत सर और दया सर को भी नहीं मालूम? बिल्कुल नहीं, ये मेरी और एसीपी साहब के बीच की बात है, तू किसी से मत कहना समझे? नहीं कहूंगा सर, प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस हो रहा है, है? क्या प्रॉमिस हो रहा है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। ये हाथ में क्या छिपाया तूने पीछे? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है कैसे फ्रेडी, कुछ तो लिखा होगा। क्या लिखा दिखाओ। कुछ नहीं है सर। जब तुम लिखते हो तो जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा। क्या लिखा दिखाओ। सर इसमें वो खुफिया रिपोर्ट है जो आपने फ्रेडी सर को लिखने के लिए कहा था। खुफिया रिपोर्ट? वही सर, वही वाली। वही वाली? अरे सर आपने मुझे उस दिन लिखने के लिए कहा था। शायद आप भूल गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। वो क्या है, अभी सभी लोग हैं ना यहाँ पे। भिंडी? भिंडी? ये भिंडी कौन है? श्री कोई खूनी तो नहीं है? हाँ खूनी की लिस्ट है, भिंडी, गवार, फ्लावर, बैंगन। खूनियों के नाम कोड वर्ड में लिख रहे थे? हाँ कोड वर्ड में लिख रहे थे। सबसे बड़े खूनी का कोड वर्ड में नाम है फ्रेडी। क्या ये? भिंडी, बैंगन, फ्लावर। अरे सर मुझे वाइफ ने लंबी लिस्ट दी थी सर, वो कहीं गिर गई है। जितना याद आया उतना लिख रहा था सर। अब इसमें शर्माने की क्या बात है? अरे भाभी जी की मदद करना तो अच्छी बात है ना, है ना सर? हाँ तुम तीनों भी सीख लो इससे, भाभी की कैसे मदद करते हैं, अच्छे पति कैसे बनते हैं। थैंक यू सर। चुप रहो। थैंक यू सर। आइंदा याद रख, ये भिंडी, बैंगन, ये सब्जी, तरकारी घर में रहेगी, समझे? ब्यूरो में नहीं। इसी भी प्रद्युमन ये आप? राकेश तुम्हें सीआईडी वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी? उन गुंडों ने आपको इतना मारा है, आपकी जान भी जा सकती थी, और आप कह रहे हैं कि सीआईडी को बुलाने की क्या जरूरत थी? देखो राकेश ये हमारा आपसी मामला है, उन्हें बुलाने से पहले कम से कम हमसे पूछ तो लेते। ये लो, एक तो हमने इनकी मदद की, ऊपर से हम पर ही चिल्ला रहे, इसका भलाई करने का तो जमाना ही नहीं। पूरा घर तहस नहस हो रखा है। देखिए प्लीज आप बुरा मत मानिए, दिनेश थोड़ी टेंशन में है, आप लोग अगर सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। हुआ क्या यहाँ पे? चलो ऊपर देखते हैं। तो लीजा भाभी सीआईडी को बुलाना क्या गुनाह हो गया क्या? प्लीज आप माफ कीजिएगा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप सीआईडी को बुलाएं। देखो राकेश तुम अभी सीआईडी वालों को फोन करो और उन्हें यहां आने से मना कर दो। अब तो बहुत देर हो चुकी है, सीआईडी तो पहुंच चुकी है आपके घर में। सॉरी ऑफिसर, आपको यहाँ बुलाकर आपका समय बर्बाद किया, हमें सीआईडी की कोई जरूरत नहीं। सीआईडी की जरूरत नहीं? आपका पूरा घर तहस नहस हो रखा है, आपके माथे पे चोट लगी हुई है, आपको भी चोट लगी हुई है, और आप कह रहे हैं कि सीआईडी की कोई जरूरत नहीं है? सर मैंने ही आपको फोन किया था। राकेश। जी हाँ सर। देखिए मिस्टर दिनेश सच सच बताइए क्या हुआ यहाँ पे? यूं चुप रहने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना ही पड़ेगा। आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगा दिनेश। राकेश तुम चुप रहो। नहीं ये चुप नहीं रहेंगे, बताओ राकेश क्या हुआ था यहाँ पे? सर दरअसल दरअसल ऑफिसर ऐसा हुआ था कि हम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। सर ये झूठ बोल रहे हैं, एक्चुअली बात ये है कि इनके घर में गुंडे घुस आए थे और हमने खुद इनके घर से चिल्लाने की आवाजें सुनी थी। नहीं सर कोई गुंडे मुंडे नहीं आए थे, आप प्लीज इनकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए। देखिए आप लोग फिक्र मत कीजिए, गुंडों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आ गए ना। हमारा यकीन कीजिए हमारा एक्सीडेंट ही हुआ था। ठीक है मान लेते हैं कि आप दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर ये बताएं कि आप दोनों का एक्सीडेंट एग्जैक्टली हुआ कैसे? वो
वो सीढ़ियों से फिसल गए थे। आप भी सीढ़ियों से गिर गई? जी। दोनों एक साथ सीढ़ियों से गिरे। ऑफिसर, आपको क्या लगता है कि हम आपसे झूठ बोल रहे हैं? जी हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। जिन लोगों ने आप पे हमला किया, आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिसर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इस वक्त हमें अकेला छोड़ दीजिए। अगर हमें आपकी जरूरत हुई तो हम आपको फोन कर लेंगे। आपको कुछ कहना है इस बारे में? ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी, लेकिन जब भी आपको सच बोलने का मन करे हमें फोन कर लीजिएगा। सर, सर आप लोग बिल्कुल इनका भरोसा मत कीजिए सर, वहां पर वाकई में गुंडे थे। आपने देखा है? सर देखा तो नहीं, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक गुंडे थे। उन्होंने दिनेश के अपाहिज होने का भी बिल्कुल रहम नहीं किया सर। अगर वो गुंडे दोबारा दिखाई दे या घर में कुछ भी हलचल दिखाई दे, फौरन हमें इन्फॉर्म करना। ओके जी। हमारे समाज में दिनेश और लीजा जैसे इतने सारे लोग हैं जो चुपचाप जुर्म सहते मगर कानून की मदद नहीं करना चाहते। घोड़े को पानी तक तो ले जाया जा सकता है, पर पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सर, उन गुंडों ने दिनेश और लीजा की पिटाई की है, फिर भी उनके नाम बताने को तैयार नहीं है वो लोग। सर मुझे तो लगता है कि हो ना हो दिनेश कोई क्रिमिनल है जिसने कोई गुनाह किया है और उस गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और अगर दिनेश की किसी ने पिटाई नहीं की होती तो हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि दिनेश नाम का कोई आदमी भी है। सचिन काम करो, डाटाबेस चेक करो हमारे सीआईडी का, और देखो उसमें दिनेश नाम के जितने भी क्रिमिनल्स हैं सबकी कुंडली निकाल। सर, इस दिनेश और लीजा की असली जन्म कुंडली तो हम लेके आए हैं। अरे वाह, तुम कब से इतना अच्छा काम करने लगे? हाँ, क्या खबर मिली बताओ। सर, दिनेश और लीजा 2 दिन पहले ही इंडिया आए थे। दिनेश और लीजा 2 दिन पहले इंडिया आए थे? हाँ सर, उनके घर पे सालों से ताला लगा हुआ था। वेरी स्ट्रेंज, इंडिया के 2 दिन में ही उन पे हमला हो गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुंडे पहले से इनके पीछे पड़े हों? ये दिनेश और लीजा जहाँ रहते थे इंडिया आने से पहले, उनसे पीछा छुड़ा के वो इंडिया आए, लेकिन गुंडों ने उन्हें यहाँ भी ढूंढ लिया। अभिजीत, अगर ये दोनों दिनेश और लीजा इतनी मुसीबत में है फिर भी हमारी मदद क्यों नहीं ले रहे? सर, हमारी मुजरिमों की लिस्ट में दिनेश का नाम नहीं है। सर कमाल है सर, क्रिमिनल भी नहीं है, गुंडों ने हमला भी किया है, फिर भी गुंडों का नाम नहीं बता रहे। हेलो, क्या फोन हो गया? कहां पे सर? सर कैसे हो गया सर? छाती में गोली मारी है। लंदन से मुंबई 28 मार्च किंगडम एयरवेज। आज तो 30 मार्च है। इसका मतलब गगन 2 दिन पहले आया था यहाँ पे है? हाँ साहब, साहब 1 महीने के लिए लंदन गए थे। किस लिए गए थे? किसी रिश्तेदार से मिलने गए थे या फिर किसी काम से गए थे? बिजनेस के काम से गए थे साहब, 1 महीने के लिए मुझे भी छुट्टी दे दी थी। आज सुबह उनका फोन आया कि काम पे आ जा, आकर देखा तो यहाँ साहब की लाश। जब तुम यहाँ पर आए तो घर का दरवाजा खुला हुआ था? हाँ साहब, चाबी मेरे पास ही रहती है साहब, मैंने ही दरवाजा खोला था। जब दरवाजा खोला तो क्या देखा तुमने? साहब की लाश यहाँ पड़ी थी साहब, मैं बहुत डर गया साहब, तुरंत आप लोगों को फोन कर दिया। जाने से पहले तुम्हारे साथ में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं साहब, आप बहुत अच्छे आदमी थे, किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उन्होंने। अच्छा, फ्रेडी एक बात नोटिस की, घर का सारा सामान वैसा का वैसा ही है, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है। मतलब ये गगन खूनी को जानता था। किसी ने दुश्मनी निकाली है। सुनो, तुम्हारे साहब क्या करते थे, किस किस से मिलते थे, मुझे सब बताओ, और कुछ भी छुपाना मत, समझे? ठीक है सर। गगन एक सीधा साधा बिजनेसमैन, महीने भर के लिए लंदन जाता है काम के सिलसिले, और जैसे ही लौटता है उसका
खून हो जाता है। तो या तो जमीन जायदाद के लिए खून हुआ होगा या फिर बिजनेस राइवलरी होगी। और अब तक गगन का कोई रिश्तेदार भी नहीं आया है जिससे गगन की मौत से फायदा होने वाला हो। तो इसका मतलब है ये कोई जमीन जायदाद का मामला ही नहीं, तो फिर बिजनेस राइवलरी का चक्कर है, बिजनेस राइवलरी का। सर ये गगन दो दिन पहले लंदन से आया था और यहाँ पे उसका खून हो गया। गगन की तरह दिनेश भी लंदन से ही आया था। गगन की तरह दिनेश भी लंदन से आया था? हाँ सर, और जिस घर में दिनेश के ऊपर हमला हुआ वो उसके पिताजी के नाम पे है सर, यहाँ पे आते ही हमला हुआ। समझ में नहीं आ रहा है, इंडिया में आते ही उस पर हमला हो गया, ये चक्कर क्या है? चक्कर तो है, जिस दिन दिनेश के ऊपर हमला हुआ था उसी दिन गगन का खून भी हुआ सर। मतलब दिनेश और गगन के खून में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, जरूर है। कनेक्शन है सर, क्योंकि जिस फ्लाइट में बैठ के दिनेश लंदन से इंडिया आया था उसी फ्लाइट में ये गगन भी था। ओ, दिखा भी जी। बस एक काम करो, दिनेश और लिसा इन दोनों की दोबारा अच्छी तरह से पूछताछ करो, वो जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। पता चल जाएगा इस दिनेश और गगन के बीच में क्या कनेक्शन है। सर आप लोग दिनेश और लीजा भाभी से मिलने आए हैं? हाँ। मगर सर वो तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं? नहीं सर। सर उन गुंडों का कुछ पता चला? इसी सिलसिले में हम बात करने आए थे दिनेश से, पर वो तो है ना। सर दिनेश और लीजा भाभी को तो मैं ही बाजार लेकर गया था, वहाँ सर उन्हें एक नई व्हील चेयर खरीदनी थी। तुम्हारे साथ गए थे? जी हाँ सर। कहाँ पे छोड़ा? पहले तो उन्होंने नई व्हील चेयर खरीदी और फिर मुझे कहा कि हमें व्हील्स एंड व्हील्स तक छोड़ दो, कह रहे थे कि कोई मिलने आने वाला है सर उनसे। व्हील्स एंड व्हील्स? ये दिनेश और लीजा किससे मिलने लगे? वो तो यहाँ पे किसी को जानते नहीं है। सर ये सब तो मैंने नहीं पूछा, बस उन्होंने कहा छोड़ दो और मैं छोड़कर निकल गया सर। विवेक तो तुम दया के साथ वहाँ पे जाओ और देखो क्या चक्कर है। सर, सर दिनेश और लीजा भाभी ने कुछ गड़बड़ की है क्या? नहीं ऐसा तो कुछ खास नहीं है। आपके पास इनके घर की कोई डुप्लीकेट चाबी है क्या? जी नहीं सर। ठीक है आप जाइए। राकेश ने दिनेश और लीजा को यहीं पे छोड़ा था सर, मेन रोड जंक्शन, किसी व्हील्स एंड व्हील्स नाम की व्हीलचेयर रिपेयरिंग दुकान पे। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि अगर वो व्हीलचेयर नहीं थी तो उसे रिपेयर करवाने की क्या जरूरत। हाँ सर मैं भी वही सोच रहा। पहले ये देखते हैं कि दुकान कहाँ है। यस सर। सुनिए भाई साहब, ये व्हील्स एंड व्हील्स नाम की दुकान कहाँ पे है? यहाँ आगे जाके ना, राइट में। थैंक यू वेरी मच। ये है व्हील्स एंड व्हील्स की दुकान, दुकान तो बंद है। कहिए आपको किससे मिलना है? आप जी, ये बाजू का गला मेरा ही है। CID। CID? कहिए क्या काम आपको? अभी थोड़ी देर पहले एक पति पत्नी यहाँ पे आए थे। सर पति पत्नी तो आते ही रहते हैं यहाँ पे। नहीं मेरा मतलब है कि पति जो है वो व्हीलचेयर पे था और उसकी बीवी व्हीलचेयर को धक्का दे रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ अभी एक घंटे पहले मैंने उनको यहाँ देखा है। एक घंटे में दुकान बंद हो गई? सर ये तो पहले से ही बंद है। पहले से ही बंद थी? जी हाँ, इसीलिए तो वो दोनों
पवन के घर का एड्रेस लेने के लिए मेरे पास आए थे। पवन के घर का पता? पवन इस दुकान का मालिक? जी हाँ। अच्छा, हमें भी इस पवन के घर का एड्रेस चाहिए। घर को अच्छी तरीके से चेक करो, शायद गगन के खून का राज हमें यहीं से मिलेगा। यस सर। की जिंदगी आसान बनाने के तरीके। सर, किताब मिली है, कमरे में पड़ी हुई थी, खब्बू लोगों की जिंदगी आसान बनाने के तरीके। टू डियर लीजा, किसी ने ये किताब लीजा को तोहफे में दी है। मतलब लीजा लेफ्ट हैंडेड है? या तो लेफ्ट हैंडेड है या फिर बनना चाहती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने, मेरी तो जिंदगी खराब हो जो मैं तुम्हारे साथ फंस गया। और मेरी जिंदगी, उसका क्या? तुम्हारे जैसे आदमी से शादी हुई है, मेरी जिंदगी खराब नहीं है तो और क्या है? शुक्र है कम से कम तुमने मान तो लिया कि सच क्या है। सच? सच का क्या मतलब है? इतने सालों से तुम्हारे साथ मैं चला रही हूँ। पवन, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। हम लोग सही से क्या हुआ? अंदर 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 क्या? अंदर कभी भी मारा किसी ने? किसी नकली चीज से वार किया गया? तुमने ऐसे किसी को भागते हुए देखा क्या? हाँ, अभी भी एक आदमी और औरत को जाते हुए देखा। आदमी व्हीलचेयर में था? हाँ सर, और वो औरत उसके व्हीलचेयर को धक्का दे रही थी। मतलब वो दिनेश और लीजा ही होंगे। फिर बाहर जाके तो आस पास है। यस सर। शेल्फ के ड्रॉस खुले हुए हैं। अब ये दिनेश और लीजा यहाँ पे कुछ ढूंढने आए थे। नया LCD फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, इस पवन की कोई लॉटरी लगी थी क्या? सर, यही सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा था, इसलिए मैं आज पूछने के लिए आया था। लेकिन मुझे क्या पता, यहाँ पवन नहीं, उसकी लाश को देखूंगा। सुनो, निकल गए सर। निकल गए? कोई बात नहीं, जब दिनेश अपने घर वापस जाएगा तो उसके स्वागत के लिए पहले से अभिजीत वहां पे होगा। आंधे क्या? दिनेश और लीजा ने पवन का खून कर दिया? माय गॉड, अभी तक गगन के खूनी का कुछ पता नहीं चला, एक और लाश आ गई। नहीं नहीं, हम लोग तो दिनेश के घर पे ही हैं। अगर वो दोनों यहाँ पर आए तो पकड़े जाएंगे। तुम एक काम करो, लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो। ओके ओके दे। सर, दिनेश और लीजा ने व्हीलचेयर रिपेयर करने वाले को ही मार दिया? मुझे लगता है वो लोग उनका खून करने के इरादे से ही वहां गए थे। व्हील्स एंड व्हील्स रिपेयर?
ये तो पवन की दुकान का स्टिकर है ना। इसका मतलब पवन ने ये व्हील चेयर दिनेश को दी होगी, जब तक कि दिनेश की पुरानी व्हील चेयर ठीक नहीं हो जाती। ऐसा ही लगता है। पिछड़ पिछड़ ये देखा, कट मार्क्स, टायर को काटा गया है। हाँ सर, ये कटे हुए निशान देख के तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने टायर को जानबूझ के काटा है सर। शायद इसमें कुछ छुपा के रखा हुआ था। टायर के अंदर क्या छुपा के रखा होगा? कोई बहुत ही कीमती और जरूरी सामान। क्या हो सकता है? बोलो दया। हाँ जी, हमने पवन की लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवा दी है। अच्छा, दिनेश घर पहुंचा? ओ, घर नहीं पहुंचा क्या? व्हीलचेयर के टायर में? अब मैं चेक करके बताता हूँ। क्या हुआ सर? अभिजीत कह रहा है कि दिनेश ने व्हीलचेयर के टायर में कुछ छुपाया है, और शायद वही चीज वापस लेने के लिए दिनेश और लीजा यहाँ पे आए थे, और उसी चक्कर में ये पवन मारा गया। मगर सर, ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसके लिए दिनेश और लीजा ने पवन को मार ही डाला? कोई कीमती चीज ही होगी, तभी तो ये पवन अचानक माला माल हो गया। उसने ये टीवी फ्रिज वगैरह खरीदा ना। ये देखो, उन लोगों ने ये टायर काट के देखा है। सर, फिर तो हो सकता है कि दिनेश और लीजा को वो कीमती चीज मिल गई। नहीं विवेक, अगर वो चीज इतनी आसानी से मिल गई होती तो बिना वजह पवन का खून करके मुसीबत नहीं मोल लेते। वो चीज अभी भी यहीं पे है, शायद इस पवन ने कहीं और छुपा के रखा है। ढूंढो। यस सर। सर, इस दिनेश का जवाब ही नहीं। अगर उसने व्हीलचेयर के टायर में कुछ छुपा के रखा था तो उसे रिपेयर के लिए क्यों दिया? वो कीमती चीज निकालना भूल ही गया। लग तो ऐसे ही रहा है। अब ये क्या चक्कर है? क्या हुआ सर? विवेक, फर्ज करो तुम्हारे घर में दाल चावल और आटा खत्म हो जाता है, तो तुम मार्केट में जाके एक बार दाल लेने, एक बार चावल लेने, एक बार आटा लेने जाओगे? मैं एक ही बार में तीनों चीज ले आऊंगा। कोई भी नॉर्मल आदमी यही करेगा। हाँ सर, मगर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इस पवन ने ये एक ही टाइप का दाल लॉट में लाके भर दिया है। हाँ सर, घर में आटा और चावल भी खत्म होने को आ रहा है, तो फिर पवन ये दोनों चीजें भी क्यों नहीं ले आया? ऐसा लगता है कि ये दाल खाने के लिए नहीं, ये दाल को छुपाने के लिए है। खाली करो सर। ये देखा, जादू। मतलब सर, दिनेश और लीजा इसी पोटली की तलाश में यहां आए थे। इस पोटली की तलाश में नहीं, इन हीरो की तलाश में। तो ये सारा चक्कर, ये सारा हंगामा इन हीरो की वजह से हो रहा है। हाँ सर, ये दिनेश हीरो की स्मगलिंग कर रहा था। लंदन से ये हीरे लेके आ रहा था, शायद यहाँ पे किसी को बेचने के लिए। इसीलिए तो वो लोग मुंह नहीं खोल रहे थे। वो गुंडे भी इन्हीं हीरो के पीछे पड़े हुए थे सर। हाँ, और इसीलिए तो पवन का भी खून हो गया इन हीरो की वजह से, क्योंकि हीरे छुपा कर रखे थे उस व्हीलचेयर के टायर में, और वो व्हीलचेयर थी पवन के पास। व्हीलचेयर रिपेयर करते करते पवन को ये हीरे मिल गए, और तो और उसने एक हीरा बेच भी दिया कीमती सामान खरीदने के लिए, और बचे हुए हीरों की दाल बना दी। सर, हीरो की दाल? मेरा मतलब है फ्रेडी, के दाल के डब्बे में हीरे छुपाते। और सर, ये पवन भी बहुत जिद्दी होगा, अपनी जान गवा दी इसने, लेकिन दिनेश को ये नहीं बताया कि हीरे कहाँ रखे। हाँ, मगर नोटों की चमक के आगे इंसान कई बार ये भूल जाता है कि जिंदगी नोटों से ज्यादा कीमती होती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि दिनेश को याद कैसे नहीं कि ये हीरे उस व्हीलचेयर में रह गए। ये जवाब तो सिर्फ दिनेश और लीजा ही दे सकती है। मगर सर, दिनेश और लीजा का अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है, उन्हें ढूंढेंगे कैसे? सर, इन लोगों को बुलाने के लिए अखबार में एक ऐड देते हैं।
मुझे लगा था कि ब्यूरो में सिर्फ मैं ही जोकर हूं। रेडी, मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह था कि अखबार में एक इश्तिहार देने से वो दोनों थोड़ी ना अपने बिल में से बाहर निकलेंगे। आ जाएंगे फ्रेडी, जरूर आ जाएंगे। अखबार में इश्तिहार पढ़ेंगे कि चमकीले बीजों के तरबूज के साथ साथ एक व्हील चेयर भी फ्री। लूट लो, लूट लो, लूट लो, लूट लो, तरबूज ले लो, तरबूज, तरबूज ले लो, तरबूज, सेब ले लो, सेब ले लो, दस का एक, लूट लो, लूट लो, लूट लो, ओ भाई साहब, लूट लो, तरबूज ले लो, तरबूज, दस का एक, 10 रुपए के तरबूज। हाँ, मजाक कर रहे हो क्या साहब? देखो भैया, लेना है तो लो, 10 रुपए से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। और इससे कम क्या होगा, बाकी सब तो 50 रुपए का बेच रहे हैं। अच्छा, कहीं ये सड़े हुए तो नहीं है? क्या बात कर रहा है, आज चाचा का जन्मदिन है ना, चाचा इसलिए सस्ते में दे रहे हैं। चाचा जी, जन्मदिन मुबारक हो। ये लो 10 रुपए, और मुझे भी एक तरबूज दे दो। ये वाला? हाँ, ये ठीक है। काट के खाओगे तो याद करोगे बेटा। ओ भाई साहब, लूट लो, लूट लो, लूट लो, तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, तरबूज ले लो। एक मिनट, जिसका इंतजार था वो लोग आ रहे हैं। तरबूज ले लो, तरबूज, चमकीले बीज वाले तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, और वो भी चमकीले बीजों वाले। हाजी हाजी, हाँ भाई साहब, ताजे हैं, चमकीलो बीजे वाले, ये पूरे शहर में ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे। कैसे दिए? 1 करोड़ रुपए आपके लिए। 1 करोड़? ये तो बहुत ज्यादा है भाई। अब देख लो साहब, आपको नहीं चाहिए तो फिर ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया। फिर सेवा का अवसर। प्लान ए सक्सेसफुल, प्लान बी शुरू करने का टाइम आ गया है। हीरे इसी के अंदर होनी चाहिए। चलो देखते हैं। जरिए हम उस तक पहुंचेंगे। सर, आगे सीधे जाके लेफ्ट लीजिए। आगे से लेफ्ट, उसके बाद आगे वाला राइट। सर राइट। सर, ये लोग तो पुराने किले की तरफ जा रहे हैं। पुराने किले की तरफ? पुराने किले की तरफ क्यों जा रहे हैं? शायद कुछ बड़ा चक्कर हो। हेलो, यस डॉक्टर सालुके। व्हाट, आपको पूरा यकीन है? ओके ओके ओके। चाहूँ सर 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 सर, तारिका जी ने खाना खा लिया? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था सर। हेलो 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 सर, काट दिया। कहाँ, पुराने किले की तरफ जा रहा है? किला पास दिखाई दे रहा है। हो रही हाथ में बहुत। जब तक इन लोगों की बैंड नहीं बजा देता तब तक ये लोग रुकने वाले नहीं है।
का मुझे कब से इंतजार था और आज ये इंतजार मेरा पूरा हो गया। हमें भी इन्हीं हीरों का इंतजार था। खेल खत्म तुम लोगों का। तुम सीआईडी वाले बहुत इंतजार करवाते हो। अरे वाह, आप हमें पहचानती हैं? तुम लोगों को कौन नहीं पहचानता, मुजरिमों के सबसे बड़े दुश्मन हो तुम लोग। चलो अच्छा है, आपने कम से कम ये तो मान लिया कि आप मुजरिम हैं। ओह, लेक्चर नहीं हाँ? ए, गन नीचे करो। गन नीचे। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो अपनी गन नीचे फेंक दूँ? और भी कुछ होना बाकी है क्या? यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। लगता है तुम सब लोगों को वहीं भेज देना चाहिए मुझे जहाँ मैंने दिनेश और लीजा को भेजा था। क्या? दिनेश और लीजा का क्या किया तुम लोगों ने? मार डाला। और क्या? मारने का डर नहीं है तुम लोगों को? सबको फांसी होगी, फांसी। रहने दो रहने दो, ये फांसी का लेक्चर हमें मत सुनाओ। दो चार हीरे रख लो और जाने दो हमें। रिश्वत दे रही है हमें? गन नीचे। छोड़ो उसे। सीआईडी के ऊपर गोली चलाने का अंजाम जानती हो तुम? तुम लोगों को प्यार से नहीं समझ आता ना? जब तक तुम लोगों के सामने चार पांच लाशें नहीं गिरा दी ना, तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। हैं? ए, चल यहाँ से आगे। नहीं। सर, सर मेरी परवाह मत कीजिए। सर मार दीजिए इसे। चल। सर शूट कीजिए। चल। गलत कर रहे हो तुम। चल। ए, हाय। बाय। रुक जाओ लीजा, रुक जाओ। मेरा नाम लीजा नहीं है, मैं अंजलि हूँ। जिस तरह से ये हीरे नकली हैं, वैसे तुम भी नकली अंजलि हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लीजा हो, दिनेश की पत्नी, और असली अंजलि वो है जो लीजा बनकर दिनेश के साथ घूम रही। ये सब झूठ है। ये सच है। आपको कैसे पता? क्रिमिनल बनने की एक्टिंग तो बहुत अच्छी की तुमने, लेकिन एक गलती कर दी। गन लेफ्ट हैंड में पकड़ लिया। और लीजा भी लेफ्टी है, खब्बू। और तुम्हारे घर में किताब भी है ना, खब्बू लोगों की जिंदगी आसान बनाने के तरीके। और अंजलि खब्बू नहीं है, डॉक्टर सालुंके ने मुझे फोन करके बता दिया था। जिसने पवन का खून किया है वो लेफ्ट हैंडेड नहीं है, राइट हैंडेड है। और अंजलि राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड तुम हो, लीजा तुम। हाँ, ये सच है, मैं लीजा हूँ, मेरा नाम अंजलि नहीं है। उस रात वो गुंडे जब हमारे घर पे आए थे तो मुझे अपने साथ किडनैप करके ले गए। और अंजलि, ये अंजलि कौन है? अंजलि उन गुंडों के साथ ही है, और अगर उस दिन मैं उनका कहना नहीं मानती तो वो मेरे दिनेश को मार डालते। अपने पति की जान बचाने के लिए तुम मुजरिम बन गए? अगर गोली तुम्हें लग जाती तो? मुझे अपनी परवाह नहीं है सर, बस मेरे दिनेश को कुछ नहीं होना चाहिए सर। दिनेश को कुछ नहीं होगा, अंजलि के ड्रामे से पर्दा उठाने का टाइम अब आ गया है। देखो तुम्हारे हीरे तुम्हें मिल गए, अब तो मुझे जाने दो प्लीज। इतनी क्या जल्दी है जाने की? मुझे मेरी लीजा के पास ले चलो। मैं लीजा से मिलने के लिए कैसा पागल हो रहा है? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? मैंने तुम्हारी हर बात मान ली। क्योंकि अभी छोटा सा आखिरी काम बाकी है। वो क्या? तुम्हें और लीजा को ऊपर पहुंचाने का काम। तुम ऐसा नहीं कर सकती। कौन आदमी सड़क के बीचों बीच लेटा हुआ है? मैं देखती हूँ उसे। अबे ओ मिस्टर, शराब ज्यादा पी लिया क्या? उठ उठ, तुझे मेरी गाड़ी मिली थी नीचे आने के लिए, उड़ा। सीआईडी वाले शराब नहीं पीते। हाँ, हम लोग। मेरे पास नहीं आना वरना मैं इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी? मैं सच कह रही हूँ, मैं इसे मार दूंगी। देखो तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। खोपड़ी उड़ा दूंगी। शौक है ना गोली मारने का? हीरे पाने के लिए तुमने ये सब किया है ना? हाँ, मैंने हीरे पाने के लिए ये सब किया। हीरो के लिए तुमने दो दो खून कर दिए। पवन को तुमने इसलिए मारा क्योंकि उसे हीरे मिल गए। हाँ। और गगन, गगन को क्यों मारा तुमने? क्योंकि लंदन से हीरे वही लेके आया था। गगन हीरे लेकर आया था लंदन से, दिनेश नहीं? नहीं। और गगन ने ये हीरे दिनेश के व्हील चेयर में छुपा दिए थे। हाँ। और इसीलिए तुमने दिनेश के घर पे हमला भी करवाया। हाँ। पर आप सब लोगों ने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। हीरो के लिए दो दो खून किए तुमने, दो दो खून। अब जेल में सड़ते रहना, फांसी तो तुम्हें होकर ही रहेगी। प्लीज प्लीज।
थैंक यू सर, अगर आप लोग ना होते तो मेरी लीजा मुझे कभी वापस नहीं मिल पाती। तुम दोनों ने वाकई बहुत बहादुरी से काम लिया है। लीजा बहुत प्यार करती हो ना दिनेश से? जी सर, लीजा वाकई मुझसे बहुत प्यार करती है, तभी तो मेरी इस हालत के बावजूद भी इसने मुझसे शादी की। खबरदार, अगर अपने आप को लाचार समझा तो आप में और बाकी के लोगों में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सच कह रही है लीजा दिनेश, बिल्कुल सच कह रही है। बहादुरी एक ऐसा गुण है जो हर इंसान में पनपता है, हर इंसान। आप लोगों ने देखा होगा इन दोनों ने जो वीरता और साहस का परिचय दिया है उसकी आप जितनी भी तारीफ करें कम है। अब आप लोग भी इस वीरता और साहस को अपना लो, फिर देखिए आपकी और आपके अपनों की जिंदगी कैसे बदल जाती है। हमारे समाज को आप जैसे वीरों की ही जरूरत है। सर, जब भी कोई केस एक अच्छे मोड़ पे खत्म होता है मैं वाइफ के पैर छू लेता हूँ। इसकी मतलब मेरी? अरे आप लोग? यस सर, आप लोगों की वजह से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हुई, तो सोचा आपसे मिलकर आपको थैंक्स कहें। अरे इसकी क्या जरूरत थी, थैंक यू। सर, सीआईडी हम जैसे लोगों के लिए इतना कुछ करती है और हम तो आपके कुछ लगते भी नहीं है, फिर भी आपने। देखो लीसा, दोबारा ऐसे कभी मत कह। इस देश के हर नागरिक के साथ हमारा एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है हमारा, विश्वास का। लोग हम पर विश्वास करते हैं इसी बात का कि हर परेशानी, हर मुसीबत और हर जुर्म से हम उनको बचाएंगे, और हम यही फर्ज निभाते आ रहे हैं। सर, ये आप सब लोगों के लिए। इतनी तकलीफ क्यों उठाई आपने? सर, इसमें तकलीफ किस बात की? हम तो सिर्फ अपनी जिंदगी की नई खुशियां बांट रहे हैं आप सब लोगों के साथ, वो भी कुछ मीठा खिलाकर। सॉरी सर, क्या करूं सर, मिठाई देख के कंट्रोल ही नहीं होता। अच्छा चलो, शांति से बैठ के खाओ, पूरा डब्बा खाना। सर, आप सब लोग नहीं खाएंगे क्या? आप लोगों ने जो ये प्यार और इज्जत हमें दी है, हम हमेशा इसके आभारी रहेंगे। सच कहूं तो कभी कभी थोड़ी तारीफ सुनना भी अच्छा लगता है। हम सबके बेस्ट विशेज आपके साथ। गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू वेरी मच।